subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. जी हाँ, देखने वाले हैं किस तरह से कार्तिक और नायरा की ज़िंदगी में ऐसे सच का खुलासा हो जाएगा जिस खुलासे के बाद पूरी कहानी ही चेंज हो जाएगी। जैसा कि रिसेंट ट्रैक के अंदर दिखाया गया कि किस तरह से कीर्ति के बेटे कृष का बर्थडे होता है और उसी दिन हुई थी कार्तिक और नायरा की बेटी की मौत, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कृष के बर्थडे को लेकर और कीर्ति से वीडियो कॉल पर बात भी करते हैं। वीडियो कॉल पर बात करके वो कृष को जन्मदिन की बधाइयाँ दे देते हैं, तो वहीं पर कार्तिक और नायरा अपनी बच्ची की यादों में खोए होते हैं और उसके लिए एक हवन भी रखते हैं, जहां पूरी गोयनका फैमिली पहुंच जाती है मंदिर के अंदर और कार्तिक और नायरा के साथ मिलकर हवन करते हैं। तो वहीं पर कार्तिक बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको उस नर्स से बात करनी है और उससे मिलना है। दरअसल कार्तिक को शक हो गया है नर्स के ऊपर कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। तो आपको बता दें कि कार्तिक नर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, तो वहीं पर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा शॉक करके रख देगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें आने वाली कहानी के अंदर हो सकता है कि जिंदा कायरा की एंट्री हो जाए। अब ऐसे में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरह से कार्तिक और नायरा की मन्नत कबूल हो जाएगी और जिंदा कायरा उनके सामने आ जाएगी। क्या कुछ होगा आने वाली कहानी में, इस बात से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर लौटेंगे हम। पर तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ निज़म की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.